आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कब्रिस्तान में खूनी खेल, कब्रिस्तान में कत्ल के खेल से पर्दा उठ गया है। दरअसल कब्रिस्तान में मोहब्बत की वो खौफनाक साजिश रची गई जिसमें पहले प्रेमिका की सहेली की हत्या की गई, फिर उसके प्रेमी की। डबल मर्डर के इस खौफनाक वाकये के बाद इलाके में सनसनी फैली है। कातिल ने जो खुलासा किया है उसके बाद आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो कब्रिस्तान में एक और शख्स की हत्या होती। सोमवार को उसी कब्र से उस लड़की का शव निकाला गया जिसके बाद डेढ़ इश्किया की गुत्थी सामने आई। क्या है प्यार के खूनी अंजाम का कब्रिस्तान कनेक्शन, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए आप। एक झोंका चला था प्यार का, एक किस्सा चला था इजहार का, प्यार के परिंदे ले रहे थे उड़ान, क्योंकि वो करता था बेइंतहा प्यार, लेकिन प्यार को लग गई नजर। कब्रिस्तान में चीख उठा मुर्दा, एक के बाद एक दो दिनों में दो मुर्दे मिले, यानी दो जिंदा लोगों को बेवक्त कब्रिस्तान लाया गया और नापाक मंसूबे को अंजाम दिया गया। शनिवार को रातू रोड स्थित कब्रिस्तान में दारू पार्टी के बाद कत्ल की गुत्थी सुलझाने के दौरान मुख्य आरोपी अनमोल वर्मा उर्फ कांटी समेत दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने खुलासा किया कि कत्ल की दो वारदातों को अंजाम दिया गया। लड़की को अपनी मर्जी से ही गई थी वो, क्योंकि पहले से जान पहचान थी उसकी, लेकिन ऑब्वियसली उसको ये नहीं पता था कि ये उसका मतलब इरादा क्या है, तो वो गई थी, लेकिन जो साथ में सहयोगी थे उसके, उसका उसका साथ लेकर, उनका सहयोग लेकर इसको मारा है। असमंजस में फंसा लव, मोहब्बत का खूनी अंत, कब्रिस्तान में लव दफन, प्रेमिका के पाला बदल लेने से जैसे अनुराग प्रेम अगन में जल रहा था, फिर उसने रची खूनी साजिश। उसे रास्ते से हटाने के लिए पहले अनमोल ने प्रेमिका को इसी कब्रिस्तान में मौत के घाट उतारा, उसे किसी दूसरे कब्र के साथ दफना दिया। 28 दिसंबर को इसकी हत्या की गई, लेकिन किसी को हत्या के भनक तक नहीं लगी, प्रेमी अनुराग को भी। लेकिन प्रेमिका को मारने के बाद उसका दूसरा प्रेमी भी जैसे आंखों में चुभ रहा था, अनुराग को धोखे से फिर उसी जगह कब्रिस्तान बुलाया गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन यारों ने कब्रिस्तान में उसके लिए महफिल सजाई थी, वो महफिल थी मौत वाली, जहां उसकी माशुका को पहले ही दफन कर रखा था। उसी की कब्र के पास उसे बुलाया गया, जाम से जाम टकराए, नशे के साथ कब्रिस्तान में इश्क का भूत सर चढ़ा, जो अनुराग विश्वकर्मा की जिंदगी से बेरहम खूनी खेल के बाद ही उतरा। ये जो मुख्य अभियुक्त है काटी, जिसका नाम है अनमोल वर्मा, वो पहले छिनतई के अपराध में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ही जेल गया है, तथा जो जिसकी मृत्यु हुई है अनुराग विश्वकर्मा, वो भी पहले जेल जा चुका है आमसैट के केस में, वो कन्विक्टेड। एसपी की माने तो दोनों की हत्या अनमोल उर्फ काटी ने की। अनुराग विश्वकर्मा काटी की गर्लफ्रेंड को बहला फुसला कर काटी के खिलाफ उसकी गर्लफ्रेंड के दिल में नफरत फैलाता था। अनमोल ने उसकी हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने काटी की गर्लफ्रेंड को ये बताया था कि काटी अच्छा लड़का नहीं है और उसका अफेयर काटी से है, और फिर कब्रिस्तान में मौत की साजिश रची गई। इलाके के लोग सन्न रह गए। परसों गिरफ्तारी हुई, वही लड़का जो टॉर्चर किया गया, तो लड़का के बताया कि हमने 29 तारीख को एक लड़की को मारा है, वो लाके एरिया दिखाया, वहाँ पे पुलिस आई और लाश को अपने हैंड ओवर लिए। प्रेम प्रसंग के मामले में 15 दिन पहले उसको मारा गया और उस लड़के को परसों मार के दफनाया, इतना पता है। बहरहाल अगर दो हत्या के बाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक और हत्या करने के फिराक में काटी था।
यानी यार ने ही लूट लिया घर यार का। एक जगह दो कत्ल, 10 दिन में कब्रिस्तान में दो कत्ल। मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई, लेकिन अपराधियों ने जगह चुनी कब्रिस्तान, जहां मुर्दा ही नहीं मोहब्बत के निशान भी दफन करने की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन कब्रिस्तान के मुर्दों को शायद ये गवारा नहीं था। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। कब्रिस्तान के बाद